नमस्कार, आप जो रहा छो टीवी 9, हूँ जगदीश। समाचार की शुरुआत करीशुं। सौथी पहेला वात करीए अमदावादनी, अमदावादना बोपल विस्तारथी समाचार, ज्यां विद्यार्थीनी हत्या केसमां आखी घटनानुं रिकन्स्ट्रक्शन करवामां आव्युं। आरोपी वीरेन्द्रसिंहने लई घटनास्थले ग्राम्य पोलीस पहोंची हती। छरीना घा मारनार वीरेन्द्र लंगड़ातो आव्यो। हाथ बांधी आरोपीने पोलीस मर्डर स्पॉट पर लावी। बस लुकी की इसमें वो सस्पेंड हुआ था और 23 में उसको रीइंस्टेट किया गया है और अभी वो सरखेज पुलिस स्टेशन में जनरल ड्यूटी पे नौकरी कर रहा था और 28 तारीख से सिक लीव पे वो था। सर, मरने वाला जो है कहाँ कहाँ यहाँ पर क्या? जो मृतिक है वो मीका में वो अभ्यास कर रहा था MBA का और इसलिए वो यहाँ पे एडमिशन लेके और मूल व लखनऊ का उत्तर प्रदेश। मेडिकल टीम को सर, मेडिकल टीम को क्या इंस्ट्रक्ट किया है आपने और क्या कहेंगे मेडिकल टीम को सर? वो आपने कहा ना सर, वो थोड़ा वैसा था उसका सर बिहेवियर। हाँ, अभी उसका मेडिकल जांच करवाया जाएगा और उसमें अगर निकलता है कि उसने कोई नशा या कैफे पदार्थ का ग्रहण किया है तो उसके विरुद्ध में उससे अलग से विरुद्ध में भी गुनाह दाखिल किया। मर्डर में जैसे ये हमने इससे आरोपी से भी पूछताछ, जो प्राथमिक पूछताछ की गई उसमें पता चला कि ताव में आके एकदम जैसे गुस्से में आके इसको ये कह रहा था कि जब मैंने बोला कि भाई तू अपने ढंग से बुलेट चला तो उसने इसको गाली दी और गाली उससे सहन नहीं हुई तो उसने रोका। रोकने के बाद फिर उसने फिर से गाली गलौज किया तो इसलिए उसको गुस्सा आया और उसने चक्कू मार दिया। संगरूर जिला है पंजाब। भोपाल से वो पहले अपने घर गया, वहाँ उसने गाड़ी चेंज की, यहाँ से हनुमानगढ़ गया, हनुमानगढ़ से वो मंडी गया, मंडी से पंजाब के अलग अलग जिला जैसे जलंधर, जलंधर से लुधियाना, लुधियाना से संगरूर। सर, हत्या के टाइम पे उसने कान में बालियां पहनी थी, ऐसा जो फरियाद दिए विटनेस, उसका बताना था तो उसने बालियां कहाँ पे रखी है क्योंकि अभी निकाल दी है सारे, तो कहाँ पे छोड़ी है उसने, वहाँ से उसको मिला कि गाड़ी में मिला नहीं मिला, क्यों निकाली? जब वो घर आया था, घर आया था, रिमांड का भी एक मुद्दा है कि उसने कपड़े कब चेंज किए, क्या है वो जो क्राइम के टाइम में जो कपड़े पहने हुए थे वो कहाँ उसने छुपाए, वो सब क्राइम के रिमांड के मुद्दे हैं। घर पे उसने क्या बताया और क्या बताया? घर पे बताया कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। अभी वो बोल रहा है कि मैंने किसी चालू गाड़ी में झाड़ियों में फेंकी है, जहाँ वो बोल रहा है वो चेक किया जाएगा और फिर से उससे दोबारा पूछताछ की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि वो वेपन जो छरी गई है वो पुलिस उसको जल्दी रिकवर कर लेगी। जो क्राइम हुआ तो एक ही था, उसके बाद वो दो दिन। धन्यवाद। तो पुलिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अने आरोपी ने लाव्या बाद आखी घटनानुं रिकन्स्ट्रक्शन करवामां आव्युं। आरोपीनी हालत पण आपने बतावी रह्या छे। छरीना घा मारनार आ वीरेन्द्र के जे लंगड़ातो आव्यो अने हाथ बांधी आरोपीने पोलीस तेना जे मर्डर स्पॉट हती त्यां लई आवी घटनानुं रिकन्स्ट्रक्शन करवामां आव्युं के केवी रीते आखो बनाव बन्यो हतो ते समजवानी कोशिश पण करवामां आवी। खुल्ला पगे फाटेली टी शर्ट अने आरोपी ने पोलीस हाथ में दोरडा थी बांधी राख्यो हतो, दोरडा वड़े जोवा मळ्यो अने रिकन्स्ट्रक्शन दरमियान आरोपीए गुनानी माफी मांगतो पण नजरे पड्यो छे। बोपल में विद्यार्थी ની હત્યાના ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન, ત્યારે આરોપી વીરેન્દ્રસિંહને લઈ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગ્રામ્ય પોલીસ। છરીના ઘા મારનાર વીરેન્દ્ર લંગડાતો આવ્યો તે સમયના પણ આપણે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે। ખુલ્લા પગ, ફાટેલી ટી શર્ટ, આરોપીને પોલીસ હાથમાં દોરડા વડે બાંધીને રાખ્યો હતો। રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન આરોપીએ ગુનાની માફી પણ માંગી, માફી માંગતો નજરે પડ્યો અને પોલીસે આરોપી વીરેન્દ્રસિંહ પાસેથી ઘટનાની અંગે તમામ માહિતી એકત્રિત કરી હતી।